क्लास इस वीडियो में हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या होते हैं? नाउ फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू? तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर्स। तो पॉलिटिकल ऑफिस यानी पॉलिटिकल पोस्ट को पूरा करती हैं और पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज करती हैं। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो ये काम बड़ी संख्या में फंक्शंस परफॉर्म करके पार्टी जैसा करती हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टी का? पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या है पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस? पार्टीज इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कराती हैं। तो मोस्टली डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड की हैं, इन डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज सेलेक्ट दर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज। तो अपने कैंडिडेट को अलग अलग तरीके से वो सेलेक्ट करती हैं और गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का एक पार्ट बनाती हैं। सेकंड पॉइंट है, देखिए पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। तो सिंपली यहाँ पर देखिए पूरे पैराग्राफ को ना पढ़ करके हम मेन पॉइंट को समझ जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो पॉलिटिकल पार्टी ही एक संस्था है जो अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, क्योंकि इन्हीं में से कैंडिडेट इलेक्ट होते हैं और गवर्नमेंट में जाने पर ये उन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक। पार्टीशन मीन्स क्या होता है आप जान लेंगे। पर्सन हु स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी ग्रुप और फैक्शन। नाउ द थर्ड फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज द प्ले डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। पॉलिटिकल पार्टी कानून बनाने के लिए यानी कि कंट्री के लिए लॉ बनाने में एक डिसिसिव रोल प्ले करती हैं, यानी निर्णायक रोल उनका होता है। कानून बनाने का काम किसका है? पॉलिटिकल पार्टी का। फोर्थ फंक्शन क्या है? देखिए पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। पार्टीज गवर्नमेंट को रन करती हैं और गवर्नमेंट बनाती हैं। एज बी नोटेड लास्ट ईयर द बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाई पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पोलिटिकल पार्टीज। तो बड़े बड़े पोलिटिकल डिसीजन्स पोलिटिकल पार्टी के लीडर्स ही लेते हैं और वो सरकार बनाते हैं और सरकार को चलाते हैं, ठीक। फिफ्थ पॉइंट है, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। ऐसी पार्टीज जो इलेक्शन हार जाती हैं वो अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं टू द पार्टीज पावर। जो पार्टी पावर में होती है उससे एक अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है। डिफरेंट अलग अलग व्यूज पर अपनी आवाज़ को उठा करके, यानी कि कोई भी सरकार जैसा वर्क कर रही है अगर पॉलिटिकल में अपोजिशन पार्टी ना हो तो वो मनमानी करती रहेगी, लेकिन अपोजिशन पार्टी जो विरोधी पार्टी होगी उसी पार्लियामेंट हाउस में तो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगी और रूल्स और पॉलिसीज प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कराती रहती है कंटिन्यू, ठीक। सिक्स फंक्शन क्या है? पार्टीज सेव पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को बनाने का काम पार्टीज का होता है। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। तो पार्टीज को पब्लिक के विचार, पब्लिक के व्यूज, उनकी थिंकिंग, प्रॉब्लम्स सभी पता होती हैं। जब वो जीत कर जाते हैं मेंबर्स तो वही उनके इश्यूज को हाईलाइट करते हैं हाउस ऑफ लॉज, कानून बनाने वाला जो हाउस है, पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबलीज, उनमें। नेक्स्ट सेवेंथ फंक्शन क्या है? देखिए पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाई गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स को प्रोवाइड कराने का काम होता है पार्टीज का। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन ए गवर्नमेंट ऑफिसर। तो क्या होता है, एक ऑर्डिनरी पर्सन होगा उसके लिए लोकल पार्टी लीडर के पास पहुंचना इजी होता है, सिवाय ना कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर। ऑफिसर के पास सीधे ना जाकर के वो पार्टी लीडर के पास जाता है और उससे अपनी प्रॉब्लम सोल्व कराएगा। तो क्या है, गवर्नमेंट मशीनरी में सीधे हमारी पहुंच पॉलिटिकल पार्टी से ही हो पाती, अदरवाइज नहीं हो पाती। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद जो दिया है हमारा नेसेसिटी। तो जरूरत क्या है पॉलिटिकल पार्टी की? दिस लिस्ट ऑफ फंक्शंस इन सेंस ऑफ आंसर्स द क्वेश्चन आस्क्ड अबव। तो फंक्शंस की लिस्ट में सेंस के आधार से जो क्वेश्चन पूछे गए, हमें क्या जरूरत पड़ती है? वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज। पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत हमें इसलिए होती क्योंकि दे परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। वे सभी फंक्शंस परफॉर्म करती हैं।
बट वी स्टिल नीड टू आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम आज भी ये भी जानना चाहते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट क्यों नहीं हो सकती, मतलब विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज के मॉडर्न डेमोक्रेसी क्यों सक्सेसफुल नहीं है। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इमेजिंग सिचुएशन विदाउट पार्टीज। तो बिना पार्टी की सिचुएशन को हम इमेजिन करें तो पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत को हम समझ सकते हैं। एवरी कैंडिडेट इन दस इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। इलेक्शन में हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होता है। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। तो कोई भी मेजर पॉलिसी चेंजेस का प्रोमिस नहीं करेगा। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्मड, सरकार बनाई जा सकती है बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन इवर अनसर्टेन। तो उसकी जो कुछ यूटिलिटी है हमेशा अनसर्टेन रहती हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कंस्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। लोकेलिटी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में जीते हुए लीडर्स या MP MLAs पहुँचते हैं वो अपनी लोकेलिटी में क्या कराते हैं उसके लिए वो अकाउंटेबल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाई लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायत इन मैनी स्टेट्स। तो मैनी स्टेट्स में पंचायत इलेक्शन होते हैं वो नॉन पार्टी बेस पर होते हैं। ऑल दो द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, पार्टी फॉर्मली तो कंटेस्ट नहीं करते इलेक्शन में। इट इज जनरली नोटिस दैट द विलेजेस गेट्स स्प्लिट इंटू मोर देन वन फैक्शन ईच ऑफ द विच पुट्स अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स के पैनल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं। तो ओवरऑल क्लास हम कह सकते हैं पोलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज। तो हर एक रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं क्या, पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए पार्टीज एक नेसेसरी कंडीशन है।